महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। वहीं इसके साथ ही शिवसेना ने नेताओं द्वारा बीजेपी को उनके द्वारा 50-50 फॉर्मूले को भी याद दिलाया जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर ठनी हुई है। इस बीच शिवसेना से संजय राउत ने बीजेपी पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए निशाना साधा है। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी अपने बयानों को नहीं भूल सकती है क्योंकि वह ऑन रिकॉर्ड है। वह चाहे मंत्रालय की फाइल में आग भी लगा सकते हैं, लेकिन वह अपने बयान से कैसे पीछे हटेंगे। राउत ने एनडीटीवी से बातचीत में 50-50 फॉर्मूला और बीजेपी से लिखित आश्वासन पर कहा, राजनीतिक चहल पहल शुरू नहीं हुई है, अब तक बातचीत नहीं है, एक दूसरे के लिए संदेश नहीं है, उनके और हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े आंकड़े खेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मांग क्यों नहीं होनी चाहिए और बीजेपी क्या तय करेगी कि यह छोड़ दें? उनका करार है हमारे साथ, उन्हें समझना चाहिए कि आम चुनाव से पहले जो जुबान दी है मीडिया के सामने, वह रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते। आप कागज फाड़ सकते हैं, फाइल गायब कर सकते हैं, मंत्रालय में आग लगवा सकते हैं, बीच में लगवाई भी थी रिकॉर्ड खत्म करने के लिए, पर मीडिया के सामने जो बात तय हुई है कि 50-50 का वादा, वह आप कैसे डिलीट करेंगे? उनसे पूछा गया, अगर वह मुकर गए तो आप क्या करेंगे? तब राउत ने जवाब दिया, बीजेपी हमेशा राम नाम का जाप करती है, राम का मतलब सत्य, आप राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, राम तो सत्य वचनी थे, तो आप सत्य बताएं और सच बोलें। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह बात पार्टी में सिर्फ चीफ उद्धव ठाकरे तय करेंगे। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें हासिल की हैं। वहीं एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 और राज ठाकरे की एमएनएस को एक सीट मिली। शिवसेना बीजेपी को 50-50 का वादा याद दिला रही है, जिसके तहत वह दोनों पार्टियों के बीच 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की साझेदारी की बात कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच इस तरह की खींचतान से ज्यादा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उनके हिसाब से परिणाम नहीं मिले हैं, जो कि कहीं न कहीं यह दिखाता है कि लोग अब जुमलेबाजी से उठकर वोट कर रहे हैं। धीरे धीरे सरकार की विफलताएं सबके सामने आती जा रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।